दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वुमन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स का सेकंड T20 मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो कल रात को 8 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करें, नेशनल स्टेडियम कराची, कराची पाकिस्तान में खेला जाएगा। मैं आपको हेड टू हेड टीम फॉर्म और हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। आप 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। पहले हेड टू हेड के बारे में बात करते हैं। अब तक पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स का टोटल 10 मैचेस खेले हैं लास्ट 5 इयर्स में। दोस्तों, पाकिस्तान वुमेन्स ने 4 विन किया, साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने 6 विन किए हैं। मैं आपको हेड टू हेड भी एक्सप्लेन कर दिया। और टीम फॉर्म के बारे में बात करते हैं, टीम फॉर्म में देखा जाए तो पाकिस्तान वुमेन्स ने लास्ट 5 मैचेस में 2 विन किए हैं, 3 लॉसेस हुए हैं। और साउथ अफ्रीका वुमेन्स भी सेम है, 2 विन किए हैं, 3 लॉस हुए। और पिच के बारे में बात करते हैं, पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। और एवरेज स्कोर के बारे में बात करते हैं, 140 से 150 का बीच में स्कोर बनेगा। और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। इस बीच में टोटल 35 विकेट्स मिले, इसमें फास्ट बॉलर्स को 15 विकेट्स मिले, स्पिनर्स को 20 विकेट्स मिले। मैं आपको टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। उससे पहले इस पिच का T20 रिकॉर्ड्स के बारे में बात की, तो इस पिच में T20 मैचेस टोटल 12 मैचेस खेले हैं। उसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 7 टाइम जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 5 टाइम जीते हैं। और इस पिच का हाई स्कोर के बारे में बात की, तो इंग्लैंड ने 221 रन मारे पाकिस्तान का खिला। और इस पिच का लो स्कोर के बारे में बात की, तो वेस्ट इंडीज 60 रन में ऑल आउट हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको इस पिच का T20 रिकॉर्ड्स के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब 100% मनी इजीली सेंड करेगा। अब मैं हर प्ले का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले विकेट कीपर में देखा है तो मैं 2 विकेट कीपर को पिक किया, एम अली को, डी टेकर को। ये दोनों विकेटकीपर कमाल के विकेटकीपर बैट्समैन है। आप ये दोनों विकेटकीपर को 100% पिक कर लेना। अली ने लास्ट मैच 19, दूसरा मैच 50, तीसरा मैच 33, चौथे मैच 35, पांचवें मैच डकआउट हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट विकेटकीपर बैट्समैन, इनको आप ग्रैंड लीग टीम और स्मॉल टीम में भी कप्तान उस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। कमाल विकेटकीपर बैट्समैन है। और डी टेकर के बारे में बात करें तो लास्ट मैच इनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था, दूसरा मैच 7, तीसरा मैच 5, चौथे मैच भी बैटिंग में चांस नहीं मिला था और 70 रन मारे। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया। ये दोनों विकेट कीपर कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन है। आप ये दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लेना। बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। आप बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 5 बैट्समैन को पिक किया, एल बुलवार्ट को, एस लुइस को, आई ब्रिट्स को, ए रियाज को, एम बी मारूफ को। मैंने पूरा 5 बैट्समैन को पिक किया। 5 बैट्समैन कमाल का बैट्समैन है, 5 बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। डब्ल्यू वुलवार्ट ने लास्ट मैच 44, दूसरा मैच 46, तीसरा मैच 8, चौथे मैच 23, पांचवें मैच 5 रन मारे। कमाल का बैट्समैन को 100% ग्रैंड लीग टीम में भी और स्मॉल टीम में भी कप्तान उस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। कमाल का बैट्समैन है। और एस लुइस के बारे में बात करें, एस लुइस ने लास्ट मैच 1 रन, दूसरा मैच 5, तीसरा मैच में इनको बैटिंग में चांस नहीं मिलता, चौथे मैच 13 और पांचवें मैच 65 रन मारे। आई ब्रिट्स के बारे में बात करें, ब्रिट्स ने लास्ट मैच 78 रन मारे। अब इनको 100% ग्रैंड लीग टीम और स्मॉल टीम में कप्तान उस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। कमाल का बैट्समैन, ब्रिट्स को 100% ट्राई करना। लास्ट दूसरे मैच को बैटिंग में चांस नहीं मिला था, तीसरे मैच 85, चौथे मैच 112, पांचवें मैच 70 रन पर। हर मैच में बैटिंग कमाल का कर रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। और रियाज के बारे में बात करते, लास्ट 28, दूसरे मैच 19, तीसरे मैच 61, चौथे मैच 21, पांचवें मैच 14 रन पर। कमाल का बैट्समैन है। अब इनको भी 100% पिक कर लेना। अब बी मरूफ के बारे में बात करें, बी मरूफ कमाल का बैट्समैन, बी मरूफ को भी 100% पिक कर लेना। बी मरूफ ने लास्ट मैच 37, दूसरे मैच 65, तीसरे मैच 16, चौथे मैच भी 13 और पांचवें मैच 14 रन मारे। मैंने बैट्समैन में 5 बैट्समैन को पिक किया, 5 बैट्समैन कमाल का बैट्समैन है। आप 5 बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। 5 बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है। आप 5 बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। आप ऑलराउंडर्स को बताने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट्स बनाए, इस दोनों अकाउंट को भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको फेक टीम देख रहे, फेक अकाउंट भी है, जिसमें आपको 3940 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 3900 प्लस सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहा है, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सब 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। पहला वाला विजन लेवल, अब विजन लेवल 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। आपको विजन लेवल में आपको डेली 1 या 2 फ्री एंट्री मिलेगा। आप 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। कमाल कैप है विजन लेवल, अब विजन लेवल 100% मनी इजीली से एंड करेंगे। और दूसरा वाला माई मास्टर लेवल, आपको माई मास्टर में भी आपको डेली 1 या 2 फ्री एंट्री मिलेगा। फ्री एंट्री का साथ साथ ऑफर्स भी जीतेंगे माई मास्टर लेवल में।
क्योंकि इसमें लो कंडीशन होता है, 100% माई मास्टर मनी इजिली सेंड करेंगे। मैंने दोनों ऐप में मनी इजिली सेंड कर रहा हूँ, आपको भी दोनों ऐप में मनी इजिली सेंड कर रहा, तुरंत लिंक से दोनों आपको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने दोनों ऐप का लिंक टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आप 100% दोनों ऐप में मनी इजिली से एन करेंगे। आप ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने ऑलराउंडर में एक ही ऑलराउंडर को पिक किया, एम कैप को, कमाल का ऑलराउंडर को आप 100% पिक कर लें, बेस्ट ऑलराउंडर। लास्ट में 90+1 वीक, दूसरे में 9+1 वीक, तीसरे में 27+1 वीक, चौथे में 13+2 वीक, पांचवें 65+1 वीक। इनको भी आप ग्रैंडली टीम और स्मॉल टीम में भी कप्तान वाइस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं, कमाल का ऑलराउंडर है। मैंने ऑलराउंडर में एक ऑलराउंडर को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया हूं। आप बोलर्स में देखा जाए तो मैंने बोलर्स में 3 बोलर्स को पिक किया, एंड क्लास को, एंड सैंडो को, और या सिकबाल को। ये तीनों बोलर्स कमाल का बोलर्स है, तीनों बोलर्स को 100% पिक किया। क्लास ने लास्ट में 0 विकेट, दूसरे मैच एक, तीसरे मैच एक, चौथे मैच एक, और पांचवें मैच 4 विकेट लिया। कमाल का बोलर, इनको भी 100% पिक किया, बेस्ट बोलर है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। और एंड सैंडो की अगर बात करें, सैंडो ने लास्ट मैच 1 विकेट, दूसरे मैच 4, तीसरे मैच 3, चौथे मैच 2, और पांचवें मैच 3 विकेट लिया। हर मैच में इनको 2-3 विकेट मिलते हैं, कमाल का बोलर है, इनको आप 100% पिक किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलर है। और इकबाल के बारे में बात करें, इकबाल ने लास्ट मैच 1 विकेट, दूसरे मैच 0, तीसरे मैच 1, चौथे मैच 3, और पांचवें मैच 0 विकेट मिला। मैंने बोलर्स में 3 बोलर्स को पिक कर लिया, तीनों बोलर्स का स्टैट्स भी बता दिया। ये तीनों बोलर्स बेस्ट बोलर्स है, तीनों बोलर्स को 100% पिक कर लिया, तीनों बोलर्स बेस्ट बोलर्स है। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो मैंने कप्तान में बनाया हूं, मैंने कप्तान में बनाया एम कैंप को, वाइस कप्तान टी ब्रिट्स को। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में 5, ऑलराउंडर में, और बोलर्स में मैंने 3 बोलर्स को पिक किया। अगर कोई प्लेयर मिस होता है मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।